दोस्तों, जब से मैंने पाव इन पैन रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तब से बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रही थी कि क्या हम गेहूं के आटे से पाव बना सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत से फ्रेंड्स के सवाल भी थे कि ईस्ट क्या है, कौन सी ईस्ट यूज़ करनी चाहिए, ईस्ट एक्सपायर हो गई है वो कैसे पता चलेगा, बिना ईस्ट के पाव बन सकते हैं कि नहीं। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरी रेसिपी ट्राई भी की थी और सबके पाव अच्छे बने थे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स के पाँव में कुछ कमी भी रह गई थी। वो कमी क्या थी, आज इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। होल व्हीट पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, और इसके लिए एक ग्लास में एक टेबलस्पून चीनी, आधा टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट, ईस्ट को खमीर भी कहते हैं, जो आटे में खमीर लाने का काम करती है, और आधा कप गुनगुना पानी ऐड करेंगे। पानी ना ज़्यादा गर्म या ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा या ठंडा होगा तो ईस्ट अच्छे से एक्टिव नहीं होगी, इसलिए पानी का सही तरह से गुनगुना होना ज़रूरी है। अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, पाव बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ईस्ट अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। मैं जो ईस्ट यूज़ करती हूँ वो आप यहाँ देख सकते हो, आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। अगर आप ईस्ट को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रखोगे तो एक साल तक खराब नहीं होगी। वैसे भी पैकेट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है और तब तक तो ईस्ट खराब नहीं होगी। तो ये हुई सब ईस्ट के बारे में बातें। अब इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रखना होगा। यहाँ भी ईस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। मेरी ईस्ट 10 मिनट में एक्टिव हो जाती है। ब्रांड वाइज ईस्ट को एक्टिव होने में 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकते हैं, और वेदर पर भी डिपेंड रहता है। अगर गर्मी की सीज़न हो तो ईस्ट जल्दी से एक्टिव हो जाती है। जब तक ईस्ट एक्टिव हो रही है तब तक हम आटे को छान लेंगे। यहाँ मैं आटे को वजन और कप्स दोनों का मेजरमेंट दिखा रही हूँ। गेहूं का आटा मतलब हम जो चपाती बनाते हैं वही आटा 300 ग्राम लेना है। अगर कप भरकर देखा जाए तो 200 ml वाले दो कप भरकर आटा लेना है। आटे को अच्छे से छान लेंगे। अब उसी में 60 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। 60 ग्राम मतलब 1/3 कप भरकर मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमारे पाव में ग्लूटेन लाने का काम करेगा। आप चाहे तो इसे बिना मैदे के भी बना सकते हो, तो आपको 360 ग्राम आटा लेना होगा। मैदे को भी अच्छे से छान लेंगे। यहाँ ध्यान रखें दोस्तों कि छानने के बाद गेहूं का आटा 300 ग्राम और मैदा 60 ग्राम होना चाहिए। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। आधा टेबलस्पून नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब आधा टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल भी ऐड करेंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गई है। अगर आपकी ईस्ट भी इस तरह से एक्टिव हो तो समझ लीजिए कि आपकी ईस्ट अच्छी है, तो आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। अगर इस तरह से एक्टिव ना हो तो आटा लगाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि पाव अच्छे बनेंगे ही नहीं। ईस्ट को अच्छे से मिला लेंगे, जिसे आटे के साथ ऐड करेंगे। आटा लगाने के लिए यहाँ हमें एक कप गुनगुना पानी लेना होगा। ईस्ट वाले ग्लास में भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जितना भी ईस्ट वाला मिश्रण ग्लास में लगा है वह सब आटे के साथ ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नर्म और चिकना आटा लगा करके तैयार करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स का सवाल था कि क्या हम बिना ईस्ट के पाव बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना ईस्ट के भी पाव बना सकते हैं, लेकिन बिना ईस्ट के पाव परफेक्ट बेकरी की तरह नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ ईस्ट नहीं मिलती या आप ईस्ट खाना पसंद नहीं करते, तो आप बिना ईस्ट वाले पाव बनाकर अपना काम चला सकते हो, और उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि ईस्ट को एक्टिव करने में हमने आधा कप गुनगुना पानी यूज़ किया था, और आटा लगाने में हमने पूरे एक कप गुनगुने पानी का यूज़ किया है। तो टोटल हमें आटा लगाने में 1.5 कप गुनगुना पानी लेना होगा। आटे को हमें 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मसलना होगा, क्योंकि मैदे के मुकाबले आटे में बहुत ही कम ग्लूटेन की मात्रा होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आटे को 10 से 15 मिनट के लिए मसलना होगा। आधा टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल भी ऐड करेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए मसलेंगे।
तो यहाँ हमारा मसला हुआ आटा तैयार है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर आटे का इस तरह से गोला बना लेंगे और पीछे की साइड से सील कर देंगे, जिसे बाउल में रख देंगे और आधा टेबलस्पून गुनगुना पानी डालकर स्प्रेड करेंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 1.5 से 2 घंटों के लिए रखना होगा, या फिर तब तक रखना होगा जब तक आटा फूल करके डबल ना हो जाए। यहाँ हम बेकिंग ट्रे को भी तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। मैंने जो यहाँ टिन लिया है वो 8 इंच का है। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर डस्टिंग कर लेंगे और थप थपा कर अतिरिक्त आटा निकाल लेंगे। 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि आटा फूल करके डबल से भी ज्यादा हो गया है। 1 टीस्पून आटा छिड़केंगे। आप देख सकते हो कि हमारा आटा कितना जालीदार हो गया है। 1 टीस्पून जितना आटा फिर से ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मसलेंगे। आधा टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और फिर से मसलेंगे। तो यहाँ हमारा मसला हुआ आटा तैयार है। चॉपिंग बोर्ड को भी साफ कर लेंगे और थोड़ा सा आटा छिड़केंगे। अब आटे को रोल करेंगे जिसे 9 समान भाग में काट लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे। अब मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से आटे का गोला बना लेंगे। गोले को उंगली और अंगूठे के बीच इस तरह से घुमाएंगे कि गोला ऊपर से स्मूथ हो जाए। समान विधि से सभी गोले बना करके तैयार करेंगे, जिसे डस्टिंग की हुई ट्रे में रखते जाएंगे। गोले के बीच में थोड़ी सी जगह होना जरूरी है। तो यहाँ हमारे सभी गोले बन करके रेडी है, जिसे ढक्कन लगाकर फिर से 1.5 से 2 घंटों के लिए या फिर डबल होने तक रखना होगा। 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि गोले फूल करके डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ हम कढ़ाई को 5 मिनट तेज आंच और 5 मिनट मध्यम आंच पर प्रीहीट करेंगे। कढ़ाई को टोटल 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना होगा। अगर इस तरह की मोटे तले वाली कढ़ाई होगी तो इसमें नमक या कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टैंड रखेंगे जिसकी हाइट 2 से 3 इंच होना जरूरी है, तभी ओवन वाला इफेक्ट आएगा। जिस तरह से हम ओवन में मिडल रैक पर बेक करते हैं, इसी तरह जब हम कढ़ाई में कुछ भी बेक करें तब टिन का थोड़ा ऊपर होना जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ केक टिन का बेस निकाल कर सिर्फ रिंग रखा है। अब कढ़ाई को ढक्कन लगा देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है तब तक हम पाँव को मिल्क वॉश कर लेंगे। मिल्क वॉश बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे। मिल्क वॉश करने से पाँव का अच्छा ब्राउन कलर आएगा। अब इस ट्रे को प्री हीटेड कढ़ाई में 5 मिनट तेज आंच और 35 मिनट मध्यम आंच पर बेक करेंगे। तो टोटल हमें 40 मिनट के लिए बेक करना होगा। यहाँ भी बेकिंग का टाइम गैस की फ्लेम और आपने किस तरह की कढ़ाई यूज की है उस पर डिपेंड रहता है। 40 मिनट के बाद यहाँ आप देख सकते हो कि पाँव अच्छे से बेक हो गए हैं। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे पाँव बहुत ही अच्छे बने हैं। गर्म पाँव पर बटर स्प्रेड करेंगे ताकि पाँव सॉफ्ट रहे। पाँव को बिल्कुल ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद साइड से अलग कर लेंगे और केक टिन को उल्टा करके पाँव निकाल लेंगे। पाँव को कट करके भी देख लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। इस पाव से मैंने बहुत ही डिलीशियस मसाला पाव बनाए थे। अब हम समान सामग्री और समान विधि से यही पाव ओवन में बनाएंगे। मुझे लगता है कि ओवन में पाव ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ भी आटे को मसलने के बाद 9 समान भाग में कट कर लेंगे। यहाँ गोला बनाने की मैं एक और ट्रिक दिखा रही हूँ। हाथ में थोड़ा सा तेल स्प्रेड करेंगे और 1 चुटकी जितना आटा भी स्प्रिंकल करेंगे। अब मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से स्मूथ गोला बना करके तैयार करेंगे, जिसे बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करने से पाव बेक होने के बाद भी फूले के फूले ही रहेंगे।
यहाँ हमने सभी गोले बना लिए हैं, जिसे ओवन में 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि वह फूल करके डबल से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, ओवन को चालू नहीं करना है। 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि पाँव अच्छे से फूल गए हैं, जिसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि टिन साइज बहुत ही मायने रखता है। जब हमने कढ़ाई में पाँव बनाए थे वो टिन साइज बड़ी थी और यहाँ मैंने 7 इंच का टिन लिया था, तो हमारे पाँव अच्छे से फूले हैं। अब हम ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर बेकिंग मोड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है तब तक हम पाँव को मिलकोश कर लेंगे। थोड़ा सा तिल भी स्प्रिंकल करेंगे जिससे पाँव दिखने में अच्छे लगे। अब इसे प्रीहीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट के बाद एक बार पाँव को पलट देंगे ताकि आगे की साइड से भी पाँव अच्छे से बेक हो जाए। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पाँव बन करके रेडी हो गए हैं, जिसे बाहर निकाल लेंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे पाँव बहुत ही अच्छे बने हैं। गर्म पाँव पर बटर लगा देंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे पाँव बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। देखा ना दोस्तों, कढ़ाई और ओवन में पाँव बनाना कितना आसान है। बस आपके पास ईस्ट अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। इसी पाँव से मैंने बहुत ही डिलीशियस पाँव पेटीज बनाया था। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाँव बनाएंगे तो आपके पाँव भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।